अच्छा है, हमारे यहाँ टैंकर जिसमें हम नहाए ना वही टैंकर का वॉचमैन है भाई साहब। ये देखिए दोस्तों, अभी ताज़ा मच्छी आया है कटला, इसी में से सोच रहा हूँ ले लूँ। गर्म हो गया दोस्तों, ये देखिए हम इसमें से एक एक करके पीस डालेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का 8 बजा है, मैं पार्किंग से गुड़ियर कंपनी में आ गया हूँ। ये देखिए सामने गुड़ियर कंपनी है, तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ और साइड में टैंकर था, वहाँ पे जाके मैंने नहाया, नहा के आ गया, कपड़ा भी धो के रख दिया और साइड में डाल दिया, सूख रहा है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ मावली होटल पे चलता हूँ, चाय नाश्ता करते हैं, फिर बाद में गुड़ियर में जाएंगे खाली करने। ठीक है दोस्तों, तो मैं मावली होटल में आ गया हूँ, ये देखिए चलते हैं चाय पीने। बन गया कि नहीं? ठीक है ठीक, बनाइए। अब यहाँ पे गरम गरम चाय पीते हैं और इंतज़ार करते हैं गाड़ी कंपनी में कितने बजे लेता है, फ़ोन करेगा पार्टी वाला तो जाएंगे। ये देखिए कितना मस्त चाय बना रहे हैं, इनका नाम है लक्ष्मीकांत सिंधे। कितना दिन से हैं आप यहाँ पे? 10 साल से हैं यहाँ पे चाय बनाते हैं। कभी भी आएंगे तो आपको चाय अच्छा मिलेगा। ये देखिए मस्त हम चाय अभी पियेंगे और यहाँ सामने कंपनी है गुड़ियर का, अभी यही गुड़ियर के सामने हमारा भी गाड़ी वो देखिए लगा हुआ है, वहाँ पे दिख रहा है। तो अच्छा, कभी चाय पी के चलते हैं, चाय पीते हैं। देखिए अभी मस्त अभी भर दिए हैं। कैसा है हमारे यहाँ टैंकर जिसमें हम नहाए ना वही टैंकर का वॉचमैन है भाई साहब, है कि नहीं? वही रात भर यहाँ पे निगरानी करते हैं, देखते हैं, अब पूरी चौकीदारी करते हैं, मतलब अच्छा नहीं चौकीदारी करते हैं, कोई इधर आता नहीं है। जब रहते हैं ना डंडा घुमाते हैं ना तो सब चूहा लोग भाग जाते हैं। अच्छा चाय बनाए ना। A few minutes later, मैंने नाश्ता कर लिया हूँ और चलता हूँ शेविंग करने, आज शुक्रवार है जी। 5 minutes later, तो दोस्तों अभी 8:30 बज गया है और अभी तक तो मेरा तो शेविंग हो गया है और अभी तक तो कंपनी से फ़ोन नहीं आया वॉचमैन का, देखते हैं कब तक वो फ़ोन करता है, तो गाड़ी लेके चलना जाना पड़ेगा खाली करने के लिए। देर से फ़ोन आया था वॉचमैन का कि गाड़ी लेके आओ गेट पे और लाइसेंस परमिट लेके आओ, एंट्री करना है, तो एंट्री करा लिया मैंने दोस्तों। अब गाड़ी लेके चल रहा हूँ गेट पे, गाड़ी इन होएगा, खाली होएगा आज तो। ठीक है दोस्तों चलते हैं। घाटा हो गया, अब चलता हूँ कंपनी में। दोस्तों कंपनी में तो आ गया हूँ, अब चलता हूँ पेपर देने। ये गाड़ी खाली हो रही है, आइसर है देखिए, खाली हो रही गाड़ी, आप देख सकते हैं मेरा गाड़ी खाली हो गया है, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए मस्त खाली हो गया है, घी खाली की है इसमें, अब चलते हैं काटा करने। काटा पे आया हूँ तो इधर भी लाइन लगा हुआ है और इधर भी ये गाड़ी इधर खड़ी है, ये भी पीछे जगह भी नहीं है दोस्तों, गाड़ी खाली हो गया, अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो खाली हो गई है और टाइम बज रहा है, तो अब यहाँ से मैं पहुँचता हूँ मार्केट में पंदरपुर और वहाँ से देखता हूँ गाड़ी उधर से ही लेके जाएंगे पार्किंग में, वहाँ से कुछ भाजी नहीं मिलता है तो चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, देख के आते हैं। आज शुक्रवार है, बनाएंगे।
देखिए दोस्तों, अभी ताज़ा मच्छी आया है कटला, इसी में से सोच रहा हूँ ले लूँ। अभी ये ले लिया मैंने, 1.25 किलो काट रहे हैं। कितना हुआ वो? 3 पाव हुआ। मच्छी मैंने ये ले लिया हूँ 1.25 किलो। अब वो गाड़ी है साइड में, राइड में। अब चलता हूँ, थोड़ा टमाटर ले लेता हूँ, मिर्ची ले लेता हूँ और आटा ले लेता हूँ, वो आगे चल के लेता हूँ। भाजी की दुकान है, ले लेता हूँ क्या है। मिर्ची दे दीजिए, अदरक दे दीजिए। 80 रुपये किलो फ्लावर भी है। इधर से किराना का भी दुकान है, यहाँ से आटा ले लेता हूँ। दोस्तों अभी राशन पता ही ले लिया मैं, अब चलता हूँ ट्रक में। तो चलता हूँ अभी पार्किंग में। गाड़ी लगा दिया हूँ उसी जगह पे पहले जो आया था। अब चलते हैं खाना बनाने, तैयारी करने। A few minutes later, दोस्तों मैंने पार्किंग में आ गया हूँ और त्रिवेदी सेठ को फोन लगाया था कि मैं आ गया हूँ पार्किंग में, नंबर लिख लीजिए। तो बोले ठीक है, लिख लेता हूँ। तो दोस्तों अभी यहीं पे देखिए, मैंने आते आते ये मच्छी लेके आया, ये देखिए कटला, और ये टमाटर, मिर्ची, लहसुन, अदरक सब भी लेके आया, और एक पत्ता गोभी ले लिया, और ये ले लिया मैंने 50 रुपये किलो सम्राट का दिया 1 किलो। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने मच्छी को धोते हैं, अब बनाते हैं मच्छी। दोस्तों सुबह से मैं वही चाय पिया था, तो मैं बोला चलो आराम से जब खाली हो जाएगा तो जाएंगे, तो फिर बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसको धोते हैं। ये देखिए मस्त धो लिया हूँ, चलते हैं इसमें हल्दी नमक मिलाने। देखिए मैंने अभी कढ़ाई धो लिया हूँ और ये मच्छी भी धो लिया हूँ, और ये हमारा है हल्दी। तो चलते हैं इसमें हल्दी डालने, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इसके अंदर, ये देखिए। और ये है थोड़ा सा नमक, देखिए हल्दी नमक मिला दिया हूँ। 1.25 किलो चावल इसमें धो के रख दिया हूँ, पक रहा है। और ये देखिए हमारा लहसुन, अदरक और प्याज 2 छील लिया हूँ, और इसमें से मिर्ची 5 लेके मिर्ची इसमें फाड़ के रख दिया हूँ कूटने के लिए। कूट के इसमें से मसाला पेस्ट बना लेता हूँ प्याज लहसुन अदरक का। देखिए दोस्तों मिर्ची लहसुन का पेस्ट बना लिया हूँ और प्याज का पेस्ट बना लिया हूँ, एक टमाटर काट दिया हूँ, और थोड़ा सा अदरक का गट्ठा लिया हूँ, और ये देखिए हमारा चावल बन गया है। अब इसे उतारते हैं, कढ़ाई रखते हैं। चावल बन गया है, कढ़ाई रखा हूँ, तेल डाल दिया हूँ, तेल गर्म हो रहा है। अब चलते हैं इसमें मच्छी फ्राई करने, धीरे धीरे स्लो आंच में फ्राई करेंगे। मस्त गर्म हो गया दोस्तों, ये देखिए मैं इसमें से एक एक करके पीस डालेंगे। एक साइड फ्राई हो जाएगा तो दूसरा साइड भी पलटी करेंगे स्लो आंच में। पलटी कर दिया हूँ, रख दिया निकाल के। इसे इसमें अदरक डाल लें दोस्तों, ये देखिए थोड़ा अदरक है, लहसुन मिर्ची का पेस्ट, धूप आ गया है इसके लिए ज़्यादा ही कुछ उजाला दिख रहा है इसको। अब इसमें हम प्याज डालते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा प्याज का पेस्ट।
चलते इसमें हम टमाटर डाल लें। ठीक है दोस्तों, हमारा नम टमाटर पक के एकदम मस्त भुजिंग हो गया है टमाटर का। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने। मैं मसाला निकाल लिया हूँ, थोड़ा सा मैं हल्दी डालता हूँ और लाल मिर्ची पाउडर, और ये है थोड़ा धनिया पाउडर। दो चम्मच डालेंगे और ये है स्वाद अनुसार नमक। पहले भी नमक डाला हूँ इसलिए आधा ही डालेंगे। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। एक मसाला बाकी है, ये देखिए राई है, फिर चटनी हो गया है, एक चम्मच ले लेते हैं। तो पानी डाल देता हूँ इसमें। मसाला बाकी है दोस्तों, ये है हमारा एवरेस्ट मसाला, थोड़ा सा इसमें डालते हैं क्योंकि इसको ये आधा किलो में एक पूड़ी लगता है। अब इसमें पानी डालता हूँ, जितना अपने को ग्रेवी चाहिए उतना इसमें डालना है। 20 minutes later. तो आइए देखते हैं ग्रेवी कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों, पूरा मस्त ग्रेवी बन गया है। अब इसमें हम थोड़ा डालते हैं, इसमें हम मच्छी डालते हैं, ये जो हम फ्राई किया था। Five minutes later. देखिए दोस्तों, अभी हमारा मच्छी ग्रेवी अच्छा बन गया है, चलता हूँ उतारने। दोस्तों 5:27 हो रहा है, बहुत टाइम हो गया बनाते बनाते। अब सलाद वलाद तो नहीं बनाया मैंने, काटा। चलते हैं मच्छी चावल खाने, चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमारा मच्छी फर्स्ट क्लास का बन गया है, देखिए। और ये चावल है, टेस्ट करते हैं कैसा बना है दोस्तों। ये कितना पावरफुल ग्रेवी बना है, ग्रेवी में मजा आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आइए खाना खाने। आज दिन शुक्रवार है, आज मच्छी बनाया है, आप लोग भी साथ दीजिए और हमारे वीडियो पर बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि कैसा मच्छी बना है कमेंट करके। तो दोस्तों अब टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्ट बना है दोस्तों, कोई जवाब नहीं है। दोस्तों रात को 9 बज गया है, मैं खाना खा के जाके ट्रांसपोर्ट में बैठा था, माल और ढूंढा। बोलते हैं कि आपके पीछे आपके आगे 10 गाड़ियां हैं और आपका 10वां नंबर है, 11वां नंबर है। तो ठीक है दोस्तों, हिसाब भी करा के मैं बैठा था और बताया कि सुबह देखता हूँ कोई माल देगा तो भरवा दूंगा। ऐसे मैंने उनको बोला कि नागपुर का माल मिलता है तो भरवा दीजिए, इधर का माल नहीं है। तो कोल्हापुर सतारा का माल था मट्टी, तो वो रेट कम है, उसमें परवड़ेगा नहीं, या उधर जाके उधर से गोनी भर के आना पड़ेगा चक्कर, तो मैं उधर नहीं बोला। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी दिन का चावल है, मच्छी है, मैं खाना खा लूँगा, चलता हूँ खा लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग कमेंट करते हैं, सुबह नए ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।